कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हर घर नुस्खे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे कपड़ों पे जो पक्के से पक्के दाग लग जाते हैं उसको कैसे निकालें। ये देखिए, अक्सर जब बच्चे खाना खाते हैं तो खाना तो कम खाते हैं पर ये अपने कपड़ों पे दाग ज़्यादा लगा देते हैं। और ऐसे ही किया है, ये मेरी बेटी की टी शर्ट है जिसके खाते समय तेल का और ये हल्दी का दाग लग गया था। अब ये है वाइट टी शर्ट और इसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल है ना। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल पानी से धो लेंगे। जी हाँ, इसके जितना भी जो हल्दी है जो लगी है वो जितनी भी इजीली निकल जाए पानी से, पहले हम वो कोशिश करेंगे कि वो निकाल लें। और कभी भी आप ध्यान रखें, जब भी आपके ऐसे दाग लग जाएं तब आप उसको दाग को या तो धो लें नॉर्मल पानी से, या तो आप उसको गिल्ला कर लें ताकि वो दाग ज़्यादा कपड़ों पर जम नहीं जाए। और ये देखिए, ये मैंने जितना भी उसमें हल्दी थी जो इजीली निकल रही थी, ये देखिए ये पानी में निकल गई है। अभी भी ये दाग है तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी। ये हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आप देखेंगे जो हल्दी का दाग है वो धीरे धीरे येलो से रेड की तरफ हो जाएगा। और ये अब मैंने डाला है डिश सोप। जी हाँ, आप थोड़ा सा इसमें डिश सोप डालिए। अब आप इन दोनों चीज़ों को, ये देखिए इसके रिएक्शन से ये जो दाग है वो हल्का पड़ गया है और वो अब रेड कलर का हो गया है। ये कितना गहरा दाग था और ये देखिए, बस कुछ मिनटों में ही ये अच्छे से आपको ऐसे रब करके इसको 5-10 मिनट के लिए रख लेना है। और थोड़ा सा आप रब कर लीजिए ताकि जो दाग है जो जमा हुआ रहता है वो पूरा अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए कितना पीला गहरा दाग था और ये एकदम लाइट हो गया है। अब ये देखिए, ये मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको नॉर्मल जैसे हम धोते हैं पानी से उसी तरीके से धो लूँगी। अगर आपको लगे तो आप एक दो बार इसको ऐसे अच्छी तरीके से रगड़ लीजिए। ये रेड हो गया है, मतलब ये जैसे ही हम नॉर्मल धोएंगे और धूप में सुखाएंगे तो इसका दाग एकदम ही निकल जाएगा। और ये धूप से ये जितने भी दाग हैं, ये देखिए ये है ना एकदम सफ़ेद टी शर्ट, ये देखिए। तो इसी तरीके से अगर आप धोएंगे और ये सूखने के बाद, धूप में सूखने के बाद, इसमें जितना भी जो इसका दाग था जो रेड हो गया था वो एकदम गायब सा हो गया है। चलिए बढ़ते हैं। अक्सर हम जब बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हमारे कपड़ों पे तो दाग लगते हैं, बच्चों के भी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये मैं एक थोड़े दिन पहले अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर रही थी और उससे देखिए ये पेन के, ये बॉल पेन के दाग लग गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मैं अब इसमें थोड़ा सा कोलगेट लगा दूंगी और अब हम इसको एक ब्रश की मदद से अच्छे से रब कर लेंगे। अक्सर ये दाग है ना, ये छोटे छोटे बहुत ही ख़राब दिखते हैं और ये इजीली जाते भी नहीं हैं और ये बच्चों के कपड़ों पे तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से रब कर लिया है। अब जो नॉर्मल हमारे पास डिटर्जेंट है या सोप है उसको हम थोड़ा इधर लगा के और हम उसको भी थोड़ा रब कर लेंगे ताकि ये जो दाग है वो एकदम नरम पड़ जाए। ये देखिए, ये जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ तो जो बारीक बारीक जो स्ट्रीक्स थी, जो लाइन की, वो तो चली गई है और जो ये प्लॉटिंग हो गई थी पेन की वो भी एकदम फीकी पड़ गई है। तो ये देखिए, ये हो गया एकदम लाइट। अब हम एक गर्म पानी में इसको थोड़ी देर ऐसे भिगो के रखेंगे और जैसे हम नॉर्मल कपड़ों को धोते हैं वैसे हम इसको थोड़ा हाथ से ही धो लेंगे। इससे आप देखेंगे जो आपके दाग है उस पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और ये आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा विनेगर। अब विनेगर डालने के बाद आप इस पर डाल दीजिए थोड़ा बेकिंग सोडा। ये जो पेन के निशान होते हैं ना, ये बहुत ही पक्के निशान होते हैं, ये इतने इजीली हमारे कपड़ों से निकलते नहीं हैं क्योंकि जनरली हम उनको तुरंत तो धो नहीं पाते हैं और ये तब तक ये जो इंक होती है वो हमारे कपड़ों पर सूख जाती है। स्पेशली जो हमारे टी शर्ट के कपड़े होते हैं उसमें से तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं अब इसको नॉर्मल धो लूँगी। अब ये देखिए, धूप में सूखने के बाद इसका जितना भी ये जो लाल हो जाता है हमारा दाग वो एकदम गायब सा हो जाता है। ये ट्रिक हम बचपन में भी हमारी मम्मी को करते हुए बहुत देखते थे। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे कपड़ों पे ये ऑयल के दाग लग जाते हैं जिनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके धब्बे भी बहुत ही बेकार दिखते हैं।
ये मेरे कुर्ते में लग गया था, तो अब मैंने क्या किया है, इस पे मैंने थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क दिया है। टैल्कम पाउडर आपके जितने भी ऑयल होता है उसको पूरा अच्छे से सोख लेता है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से क्या होगा, जो उसका निशान होगा वो नहीं रहेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी डिश वॉश, जो आप इसमें डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब नींबू का थोड़ा रस डाल दूंगी और अब मैं इससे इसको अच्छे से स्क्रब कर लूंगी। ये मेरा सबसे, मुझे बहुत पसंद है ये रेमेडी, क्योंकि इससे जो तेल के दाग होते हैं ना वो बहुत ही इजीली और बहुत ही कुछ मिनटों में निकल जाते हैं। कभी कभी खाली टैल्कम पाउडर से भी हमारे कपड़ों में जो दाग होते हैं वो नहीं निकलते हैं। इसके लिए जब हम सोडा और नींबू का यूज़ करते हैं तो वो एकदम कुछ मिनटों में ही दाग निकल जाते हैं। अब हम इसको नॉर्मल वॉश कर लेंगे और ये देखिए आपको पता भी चल रहा है वो दाग किधर था। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके जितने भी पक्के दाग हैं वो एक वॉश नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दो वॉश में तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।